नमस्कार, जनप्रभात में आपका स्वागत है। आपके शहर की खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जनपद में श्री राम भक्ति की ऐसी छटा देखने को मिली कि हर कोई गदगद हो गया। हजारों की संख्या में सिर पर कलश लिए महिलाएं जब सड़कों से गुजरी तो उन्हें देखने के लिए घरों की छतें छोटी पड़ गईं। हजारों महिलाओं के बीच चल रही झांकियां भी अद्भुत थीं। बता दें कि टीकमगढ़ जिले के खरगापुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत देरी में कालका माता मंदिर के प्रांगण में गौ भक्त भक्ति तिवारी की ओर से श्री राम भक्त निषाद राज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साधु संतों के साथ साथ 42 गांव से आए निषाद राज भक्तों ने कालका माता के दर्शन किए। हजारों की तादाद में महिलाओं ने कलश रखकर ग्राम की मुख्य सड़कों से कार्यक्रम स्थल तक कलश यात्रा निकाली। वहीं युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान गौ भक्त भक्ति तिवारी ने अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि राम भक्त निषाद राज के वंशजों को आदिवासी समाज का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि रैकवार समाज को तालाब खरीदने और उसे बेचने का अधिकार मिले। हमारा इस कार्यक्रम का मूल रूप से उद्देश्य है कि जो पिछड़ा हुआ समाज है और बुंदेलखंड में खास तौर से जो केवट मांझी रैकवार समाज की दयनीय स्थिति है, और हमारे माननीय मंत्री जी हर्ष यादव जी भी गरीब परिवार से हैं और गरीबों की दुख दर्द को दूर करने का उनने भरसक प्रयास किया है, इसलिए मैंने सारे मंत्रियों में माननीय हर्ष यादव जी का चुनाव किया है, क्योंकि वो स्वतः किसान के बेटे हैं और गरीब हैं, इसलिए वो गरीबों की समस्याओं का हरण करें, इसलिए हमने मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय हर्ष यादव जी को बुलाया है। आगे की क्या रूपरेखा है? आगे के लिए भैया ने आश्वासन दिया है कि हम सरकार से माननीय कमलनाथ जी से बात करेंगे और निश्चित रूप से जो है केवट मांझी समाज को आसवारी समाज की जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री जी ने कहा है कि भक्ति जी का साथ दे जनता है, इसका क्या मतलब? कैसा? मंत्री जी ने कहा है मंच पर कि भक्ति जी का साथ दे जनता। भैया ने इसलिए बोला है माननीय मंत्री जी ने, क्योंकि वो पिछले 20 सालों से मैं जो जनता के बीच में काम कर रहा हूँ उनको इस बात की जानकारी है और हमारी पीड़ा से आदरणीय मंत्री जी वाकिफ हैं, इसलिए उन्होंने ये बात मन से कही है। मंत्री हर्ष यादव ने कहा कि राम भक्त निषाद राज के वंशज रैकवार समाज आज भी भुखमरी बा पलायन को मजबूर हैं। पिछले 15 साल से शासन में रही बीजेपी सरकार में बेरोजगारी इतनी अधिक हो गई कि हमारे युवा भी पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। कमलनाथ सरकार शासकीय विभाग में 60,000 युवाओं को नौकरियां देने का काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान अतिथि शिक्षक संघ ने नियमितीकरण को लेकर मंत्री को ज्ञापन सौंपा। सरकार विभिन्न विभागों में नौकरी के अवसर देने वाली है। इसके साथ साथ जो आपने बात कही अतिथि विद्वानों के बारे में, अतिथि शिक्षकों के बारे में, मध्यप्रदेश सरकार ने जो वचन दिया है वो 100% पूरा होगा। आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों को भी जो हमने वचन दिया था नियमित करने का, उनको शिक्षा के अवसरों में काम देने का, वो वचन हमारी सरकार निभाएगी। सर, गौशाला के लिए अभी अधूरा काम चल रहा है, उसमें बजट क्या बताते हैं कि बजट नहीं है, इस पर क्या? ये आप मैं बताना चाहता हूँ, अभी सरकार को बने हुए 1 साल हुआ है, 15 वर्ष वो सरकार जो बातें करती रही, भुलावा देती रही, प्रलोभन देती रही, झूठी घोषणाएं करती रही, 1 साल के कार्यकाल में बहुत सारे काम, वो काम जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए थे वो काम हमने करने का काम शुरू किया है। हमने कहा था 1,000 गौशालाएं 1 वर्ष में बनाएंगे, वो 1,000 गौशालाएं बन चुकी हैं, कहीं कहीं समाप्त होने की स्थिति में आ गई है। आने वाले समय में और भी गौशालाएं पूरे मध्य प्रदेश में बनाई जाएंगी। आने वाला समय निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए जो सपने देखे हैं छिंदवाड़ा मॉडल के, वो मॉडल मध्य प्रदेश में विकसित होगा। सर, देरी क्षेत्र खरगापुर विधानसभा में है, काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? जी, देरी काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस पर क्या विकास के लिए आप? देरी की बात हो चाहे बुंदेलखंड के अन्य जिलों की बात हो, बुंदेलखंड का वो विकास 15 वर्षों में अवरुद्ध हुआ है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड के पैच के माध्यम से करोड़ों रुपए की सौगात मध्यप्रदेश की सरकार को दी थी, और दुर्भाग्य की बात है पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरा पैसा यहाँ वहाँ कर दिया। यदि वो पैसे का उपयोग होता तो निश्चित रूप से विकास के मामले में, चाहे देरी की बात हो, चाहे खरगापुर विधानसभा की बात हो, चाहे टीकमगढ़ जिले की बात हो, विकास के मामले में मध्यप्रदेश में अग्रणी होता। ये कहीं ना कहीं प्रश्न उपस्थित होता है कि पूर्व सरकार का की कार्यशैली किस तरह की रही है, वो जनता जनार्दन ने उसका जवाब भी दिया है, और आज मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है विश्वास के साथ। देखिएगा,
हमारा एक विश्वास था जनता जनार्दन का, वो विश्वास मध्यप्रदेश के मुखिया कमलनाथ जी ने वचन के मत के माध्यम से विधानसभा चुनाव के पूर्व जो बातें कही थी, आज हमारा एक साल के कार्यकाल में हमने 365 वचन, वो वचन जो कहीं ना कहीं हम आम आदमी से जुड़े हुए थे, किसान से जुड़े हुए थे, युवा से जुड़े हुए थे, कर्मचारी से जुड़े हुए थे, वो वचन हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। लंबे समय से हर विभाग में, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर कर्मचारियों की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में हो। मध्यप्रदेश सरकार गठन के बाद युवाओं के प्रति एक विश्वास था कमलनाथ जी के प्रति, वो विश्वास पूर्ण होने वाला है।